इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच वायर, मतलब अगर मैंने किसी वायर को स्ट्रेच करा तो हम जानते हैं कि हम किसी भी वायर को स्ट्रेच करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी स्ट्रिंग को भी स्ट्रेच अगर करता हूँ, स्ट्रेच करने का मतलब है अगर मैं उसको खींचता हूँ तो उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाती है, मतलब स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आने की कोशिश करता है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी हमारे पास स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को अगर मैंने खींच रखा है या वायर को अगर मैंने खींच रखा है तो वो वायर वापस अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आने की कोशिश करता है। तो अब अगर मान लीजिए हमने उसको खींच रखा है, छोड़ा नहीं है, वो वापस आने की कोशिश कर रहा है, मतलब उसने एक एनर्जी एक फोर्स लगा रखी है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी है कि अगर मैं उस स्ट्रेच्ड वायर को अगर मैं रिलीज कर दूं यानी कि छोड़ दूं तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है एक स्ट्रेच्ड वायर की कि उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है। अब उसी चीज को स्टडी करना है कि वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो हम जब भी कभी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते थे तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते थे तो हम हमेशा वर्क डन कैलकुलेट करते थे और फिर हम ये बोल देते थे कि दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन द वायर या इन द सो एंड सो बॉडी, ये हम बोल देते थे। तो अब जरा देखते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में हम ये कहते हैं सपोज अ फोर्स कैपिटल एफ इज अप्लाइड ऑन अ वायर, सपोज अ फोर्स कैपिटल एफ अप्लाइड, सपोज अ फोर्स कैपिटल एफ अप्लाइड ऑन अ वायर applied on a wire of length L increases its length on a wire of length L increases its length increases its length by delta L increases its length by delta L Initially, the internal restoring force of the wire is zero. Initially, the internal restoring, initially the internal restoring force in the wire is zero. इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस का मतलब क्या है कि अगर वायर को मैं इनिशियली बात करूं, मतलब इनिशियल स्टेज में मैंने वायर को स्ट्रेच करा ही नहीं, इनिशियली मैंने वायर को स्ट्रेच करा ही नहीं, अगर मैंने वायर को स्ट्रेच नहीं कराया तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर कितनी फोर्स है, उसके अंदर फोर्स है ही नहीं, उसके अंदर फोर्स जो है वो जीरो है। तो हमने कहा इनिशियली द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इन द वायर इज जीरो, वो ताकत लगा ही नहीं रहा वायर क्योंकि आपने उसमें किसी भी तरीके का स्ट्रेचिंग नहीं करी है। अगर आप स्ट्रेच करोगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आने की कोशिश करेगा, पर आपने स्ट्रेचिंग करी ही नहीं है तो इनिशियली उसमें कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होगा, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, इसके बाद हम ये कहते हैं कि नाउ व्हेन द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा एल, व्हेन द लेंथ is increased when the length is increased by delta L, when the length is increased by delta L, the internal force increases from zero, यानी कि zero to capital F। हमने कहा कि अब जब हमने उसमें कुछ स्ट्रेचिंग करी है, जब हमने वायर को स्ट्रेच कर दिया, वायर को स्ट्रेच करा तो वायर की लेंथ जो है वो पहले ओरिजिनली जो उसकी लेंथ थी वो L थी,
जब मैंने वायर को स्ट्रेच करा यानी कि खींचा तो उसकी लेंथ बढ़कर डेल्टा एल हो गई। तो जब उसकी वायर की लेंथ बढ़ गई ड्यू टू स्ट्रेचिंग तब उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया, दैट रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू एफ। तो अब मैं एवरेज रीस्टोरिंग फोर्स की बात करूं तो इनिशियल रीस्टोरिंग फोर्स कितना था, जीरो, फिर उसको स्ट्रेच करा तो फाइनल रीस्टोरिंग फोर्स कितना हो गया एफ। तो अगर मैं एवरेज रीस्टोरिंग फोर्स की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, जीरो प्लस एफ अपॉन टू यानी कि एफ बाई टू। तो हम ये कहेंगे देयरफॉर एवरेज इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स, एवरेज इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स ये कितना हो जाएगा, इनिशियली फोर्स कितना था बेटा जीरो, फाइनली फोर्स कितना हो गया एफ। तो जब इसका एवरेज निकालेंगे तो जीरो प्लस एफ बाई टू ये हो जाएगा एफ अपॉन टू, ये हो जाएगा एफ अपॉन टू। उसके बाद देखिएगा ये मेरे पास एवरेज रीस्टोरिंग फोर्स आ गया। जब मैंने वायर को स्ट्रेच कराया तो वायर की लेंथ कितनी बढ़ी, वायर की लेंथ बढ़कर हो गई डेल्टा एल। तो वर्क डन ऑन द वायर इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द work done on the wire is equal to average force multiplied by increase, average force multiplied by increase in length, तो कोई वायर था मान लीजिए हमारे पास ऐसे कोई वायर था, बेटा मेरी आवाज तो सबको क्लियर आ रही है ना। Yes, sir. मान लीजिए मेरे पास इनिशियली कोई वायर था और उस वायर की लेंथ थी L, उस वायर की लेंथ थी L और हमने इसको थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करके इसकी लेंथ को बढ़ाकर कर दिया डेल्टा L। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वायर जो है वो कितना खींचा, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा L, और जो मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूँ उसकी एवरेज रिस्टोरिंग फोर्स जो हमने कैलकुलेट करी वो है एफ बाई टू। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यही तो वर्क डन होता है, सभी को क्लियर है ये चीज सबको समझ में आती है। ऐश्वर्या, अनुष्ठा, अनुभव, ठीक है सर, ठीक है जी। हर्ष अरुण ढींगरा, यस सर, ठीक है जी। फिर मैं कहूंगा दिस वर्क डन इज स्टोर्ड, ओके ओके, फिर मैं कहूंगा दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल यू इन द वायर, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलास्टिक potential energy capital U in the wire। ये जो work done है ये elastic potential energy capital U की तरह wire के अंदर store हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो अब जो capital U है हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को यू बोल देते हैं, स्मॉल यू को ही थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, उसको बोल देते हैं कैपिटल यू। वैसे तो कैपिटल यू ये नहीं होता, तो हमने कहा कैपिटल यू इज इक्वल टू ये जो वर्क डन है यही पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाएगा, एफ अपॉन टू मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एल। फिर मैं ये कहता हूँ कि जो भी वायर होती है वो सिलेंड्रिकल होती है वायर,
अगर ये पोर्शन देखा जाए इतना अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये जो पोर्शन देखा जाए बेटा इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। ठीक है, तो हम ये कहेंगे इफ कैपिटल ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, इफ कैपिटल ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, मतलब ये जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये कैपिटल ए है। तो मैं एक चीज जानता हूं, आप ये देखिए सिलेंडर का वायर है ना, मैं यहां पर एक सिलेंडर बना लेता हूं। ये देखो ये अगर एक सिलेंडर है तो बेटा सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, हमने कहा ये इसके बेस का रेडियस है, रेडियस आर है, और ये इस सिलेंडर की हाइट है, हाइट कितनी है एच है। तो मैं ये कहता हूँ सिलेंडर का वॉल्यूम होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पाई आर स्क्वायर क्या है, ये वाला एरिया यानी कि सर्कल का एरिया, तो सर्कल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर एच यानी कि ए हो गया, सर्कल के एरिया को पाई आर स्क्वायर को ए बोल दिया, ए इंटू एच। इसका मतलब क्या है कि अगर ये स्ट्रेच्ड लेंथ है डेल्टा है और इसमें मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए को मल्टीप्लाई कर दूं तो वो वॉल्यूम आ जाएगा। बताइए ये समझ में आता है, ये सबको समझ में आता है? यस सर। ठीक है, अगर मैं किसी भी सिलेंड्रिकल, कोई भी सिलेंड्रिकल मेरे पास कोई भी फिगर है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में उसकी लेंथ यानी कि हाइट को मल्टीप्लाई कर दो तो वो उसका वॉल्यूम निकल के आ जाता है। अब आप देखिएगा इफ ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर देन लेट अस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड RHS of above equation by capital A and small l, capital A और small l से आप multiply भी करिए और divide भी करिए। कैसे? U is equal to ये जो अपॉनमेंट हुआ है ना, इसको अगर कर लो 1/2 multiplied by F, A से मैंने नीचे multiply करा मतलब मैंने divide कर दिया इसे, मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एल, इसको मैंने एल से डिवाइड कर दिया। तो मैंने डिनोमिनेटर में ए और एल में अपनी तरफ से मैंने इंक्लूड कर दिया, तो न्यूमरेटर में भी ए और एल को इंक्लूड करना है, मतलब ए से और एल से मल्टीप्लाई और ए से और एल से डिवाइड। मेरी बात सबको समझ में आ गई? दृष्टि? यस सर। क्लियर है? ओके। एकांश? इसको क्या बोल देते हैं? स्ट्रेस। ये जो डेल्टा है अपॉन एल है इसको क्या बोल देते हैं? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सिंपली स्ट्रेन बोलिए। जब मैं एक वायर की बात कर रहा हूँ, जब मैं एक वायर की बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है वायर तो सीधा सीधा खींचेगा ही, उसको खींचेंगे तो ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल ही होगा उसमें स्ट्रेन। देखिएगा U is equal to हो जाएगा 1/2 multiplied by F upon A, कितना हो गया स्ट्रेस, डेल्टा L upon L कितना हो गया स्ट्रेन, और A into L, तो A तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो यहाँ पर भी क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम, और ये लेंथ यानी कि ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द वायर, वॉल्यूम ऑफ वायर हाफ मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम ऑफ वायर। ठीक है, फिर मैं कहता हूं ये तो हमारे पास हो गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब अगर हमसे ये कहा जाए कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालिए, तो यानी कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करना है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम,
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर, इसको क्या बोलेंगे? स्मॉल यू, इसको बोलेंगे बेटा स्मॉल यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कैपिटल यू अपॉन वॉल्यूम ऑफ वायर. क्या है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर? पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है कि अपॉन में वॉल्यूम आ जाएगा, मतलब आपको वॉल्यूम से डिवाइड करना है किसको? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को. तो ये कितना हो जाएगा स्मॉल यू स्मॉल यू क्या हो जाएगा? वैल्यू डालते हैं बेटा यहाँ पर, देयर फोर स्मॉल यू इज इक्वल टू कैपिटल यू कितना है? हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, और वॉल्यूम ऑफ वायर को इधर ले आया ना, है ना, तो ये हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन हो जाएगा, बस हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन ये हो गया. ठीक है. अच्छा आप याद करिए, जब हम कहते हैं कि कभी भी किसी बॉडी के क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, अगर हम उसकी बात करते हैं तो क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी इज नोन एज इट्स मास, उसको हम मास बोल देते हैं. मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को हम बोल देते हैं डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम को हम बोल देते हैं डेंसिटी. यानी कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी क्वांटिटी भरी हुई है, यानी कि कितना मास है, उसको अगर वॉल्यूम से डिवाइड करता हूँ तो वह डेंसिटी आ जाती है. इसी तरह से अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करता हूँ ना, तो बेटा उसको एनर्जी डेंसिटी बोल देते हैं. ठीक है ना, वहां पर मास को वॉल्यूम से डिवाइड करते थे तो उसको बोलते थे सिंपली डेंसिटी, लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो इट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी. तो स्मॉल यू इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ये हो गया. इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंस यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, पर जब मैं वायर की बात कर रहा हूं तो बार बार वो लॉन्गिट्यूडनल टर्म लिखने की जरूरत ही नहीं है. हम समझ गए कि क्योंकि वायर है तो वहां पर स्ट्रेस भी लॉन्गिट्यूडनल होगा और स्ट्रेन भी लॉन्गिट्यूडनल होगा, इसलिए मैंने जनरली लॉन्गिट्यूडनल वर्ड हटा दिया, मैं सिंपली स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिख रहा हूं. फिर स्ट्रेन को इधर ले आऊंगा, ये हो जाएगा यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस की जगह मैं यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन लिख सकता हूं यहां पर. देयरफॉर स्मॉल यू इज इक्वल टू हाफ, स्ट्रेस की जगह लिखिए यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, मॉडुलस को मॉड लिख दिया सिंपली, और लास्ट में तो स्ट्रेन था ही, तो स्मॉल यू यानी कि एनर्जी डेंसिटी ये क्या आ गई, हाफ मल्टीप्लाइड बाय यंग्स मॉडुलस यानी कि वाई, और स्ट्रेन इनटू स्ट्रेन मतलब स्ट्रेन का स्क्वायर. हाफ इनटू वाई इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर ये हो गया. ठीक है जी. उसके बाद सर, हाँ जी बताइए सर, मुझे समझ नहीं आ रहा सर, ये यंग मॉडुलस से. यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है ना, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तो इसका मतलब अगर मैं स्ट्रेन को इधर ले जाऊं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, तो यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन किसके बराबर हो जाएगा, स्ट्रेस के बराबर. भाई क्रॉस मल्टीप्लाई तो करा बेटा बस. ठीक है. यस सर. फिर स्ट्रेस की वैल्यू आ गई यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, तो ये जो फॉर्मूला आया था एनर्जी डेंसिटी का, इसमें मैंने स्ट्रेस की जगह लिख दिया यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन. ठीक है. तो U is equal to half Young's modulus into strain, और लास्ट में तो स्ट्रेन था ही, स्ट्रेस की जगह बस ये लिख दिया मैंने इतना. ओके सर. ओके सर. Young's modulus को y बोल देते हैं, स्ट्रेन into स्ट्रेन क्या हो गया, स्ट्रेन का स्क्वायर. बेटा सभी को क्लियर है बताइए? यस सर. यस सर.
ओके चलिए जी, इसके बाद अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें पॉइजन रेशियो। POISON apostrophe s, डबल एस है यहाँ पर, ये वो जो जहर वाला होता है वो वाला नहीं है, ये पॉइजन रेशो। ठीक है, नाम से ही समझ में आता है कि रेशो है ना, रेशो मतलब समथिंग विल बी डिवाइडेड बाय समथिंग, कुछ ना कुछ रेशो होगा। अच्छा, तो विद इन द इलास्टिक लिमिट इसकी डेफिनेशन लिखेगा, within the elastic limit the ratio of lateral strain to the longitudinal strain is called Poisson's ratio. The ratio of longitudinal lateral strain to longitudinal strain is called Poisson's ratio. अब देखिएगा, जो longitudinal strain है, longitudinal strain तो मैं समझ गया क्या होता है, change in length upon original length। तो longitudinal strain क्या होता है, किसी भी wire को या किसी भी object को मैंने उसके length के along its length मैंने उसको खींचा, मैंने उसको stretch करा, तो change in length upon original length कहलाता है longitudinal strain। लेटरल स्ट्रेन का मतलब क्या है कि अगर वो साइड वाइज या तो वो खींचे यानी कि एक्सपेंड हो या साइड वाइज वो कंप्रेस हो, तो वो जो चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ वो जो होता है उसको हम बोल देते हैं लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हम साफ साफ समझ जाते हैं, हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है ना तो हमको बताने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिएगा, अगर मान लीजिए मैं इस बुक की बात करूँ, तो कोई भी बच्चा बता देगा कि ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो इसकी डायमेंशन है ये लंबी है, और ये वाली जो इसकी डायमेंशन है ये वाली छोटी है। तो हम ये कहते हैं जो लंबी वाली डायमेंशन होती है उसको मैं लेंथ बोल देता हूँ, और जो छोटी वाली डायमेंशन है उसको मैं उसकी विड्थ बोल देता हूँ। तो अगर लेंथ वाइज इसको मैं खींच के थोड़ा सा बुक को मैं बड़ा कर दूं, तो जो इसमें चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होगा उसको तो मैं बोल दूंगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और अगर मैं इसको विड्थ वाइज खींच के थोड़ा लंबा कर दूं या थोड़ा छोटा कर दूं तो उसको मैं बोलता हूँ लेटरल स्ट्रेन। उसमें चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ होता है उसको बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। फिर एक चीज समझ में आनी चाहिए सभी को, एक चीज सबको समझ में आनी चाहिए, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है ऐसा जिसकी कुछ लेंथ है और जिसकी कुछ ब्रेथ है, तो जरा देखिए मैं एक ना डायग्राम आपको बनाकर दिखाता हूँ, आप समझ जाएंगे उसको। देखो मैंने यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट बना दी और यहाँ से मैंने एक कोई लंबा ऑब्जेक्ट है उसको मैंने ऐसे ऊपर रिजिड सपोर्ट से फिक्स करके यहाँ से मैंने ऐसे लटका दिया। अब इसके अंदर कोई नया मैटर तो आने वाला नहीं है, और अगर आप खुद सोचें, अगर आपके पास कोई रबर बैंड हो आप उस रबर बैंड को खींचेंगे ना तो रबर बैंड लेंथ वाइज तो खींच जाएगी, लेकिन ब्रेथ वाइज यानी कि साइड वाइज उसकी जो विड्थ है ना वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। मतलब जब आप उसको खींचेंगे तो वो लंबी तो हो जाएगी लेकिन साथ साथ पतली भी होती चली जाएगी। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? मेरी बात समझ रहे हैं सभी बच्चे? बताइए। यस सर। ठीक है, तो मैंने क्या करा कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये वाली लेंथ जो है ये ज्यादा है और ये जो चौड़ाई की तरफ जो लेंथ है ये थोड़ी कम है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से खींचूंगा ना तो आप देखिएगा कि जब हम इसको खींचेंगे
इसकी लेंथ बढ़ेगी, जो हमने इसकी ओरिजिनल लेंथ ओरिजिनल लेंथ को बोल दिया एल, और मैंने इसको खींचा, तो जब हम इसको खींचेंगे तो इसकी ना शेप पूरे ऑब्जेक्ट की शेप थोड़ी ऐसी हो जाएगी। बेटा किसी को शायद माइक होना प्लीज बंद कर लो। तो इसकी जो शेप है, इसकी शेप ऐसी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप बहुत छोटा सा एग्जांपल, आप सभी बच्चे रोटी खाते हैं, तो जब आप रोटी खाते हैं तो उससे पहले आटे को गूंदा जाता है, तो जब आटे को गूंदते हैं तो वो बड़ा सा उसकी शेप बन जाती है, व्हाइट कलर का बड़ी सी शेप बन जाती है। उसको जब खींचते हैं तो वो साइड ऐसे लेंथ वाइज तो वो खींच जाता है ऐसे, लेकिन बीच में से फिर वो पतला होता चला जाता है। इसका मतलब अगर मैं किसी को लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूडल यानी कि लेंथ वाइज खींचूंगा तो साइड वाइज वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने लेंथ को खींच के बड़ा तो कर दिया, तो लेंथ इसकी खींचकर हो गई एल से खींचकर लेंथ हो गई इसकी डेल्टा एल, लेंथ इसकी एल से खींचकर हो गई डेल्टा एल, ठीक है। तो लेंथ तो डेल्टा एल हो गई, और ओरिजिनली जो इसकी विड्थ थी ना, ओरिजिनली इसकी विड्थ डी थी, और फिर इसकी विड्थ जो है अब क्या हो गया, इसमें जो चेंज है वो थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर हुआ, यानी कि ये वाली जो विड्थ है बीच में, अब ये जो फाइनल विड्थ है ये बची डी माइनस डेल्टा डी, मतलब ये और ये दोनों इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गए, तो ये जो चेंज हुआ है और ये जो चेंज हुआ है इसको मैंने बोल दिया डेल्टा डी। मेरी बात समझ में आ गई सबको? मेरी बात सबको समझ में आ गई? क्योंकि जो लेंथ है, लेंथ तो एक ही डायरेक्शन में बढ़ी है, लेकिन विड्थ दो डायरेक्शन में कम हुई है, ये इधर से भी थोड़ा सा इधर पतला हो जाएगा और इधर से भी पतला हो जाएगा, ओवरऑल ऐसे हो गया। तो जो चेंज है वो डेल्टा डी है। ये समझ में आ गया? Yes, sir. सभी को क्लियर है? चले आगे अनुष्ठा, समझ गए? Yes, sir. ठीक है बेटा, अब जरा देखिएगा, मैं इधर कर रहा हूँ इसको, ओरिजिनल लेंथ एल थी और चेंज इन लेंथ हो गया डेल्टा एल, ओरिजिनल विड्थ डी थी और जो फाइनल विड्थ है, जो फाइनल विड्थ है वो कितनी है, वो है डी माइनस डेल्टा डी, यानी कि चेंज कितना हुआ डेल्टा डी का, डी में से कितना सब्ट्रैक्ट हुआ डेल्टा डी। अच्छा, तो अब मैं कहूंगा यहां पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो डेल्टा एल अपॉन एल, लेटरल स्ट्रेन माइनस डेल्टा डी अपॉन डी। इसका मतलब क्या है, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि लेंथ जो है वो तो बढ़ रही है, तो इसलिए प्लस का डेल्टा एल अपॉन एल, और जो विड्थ है वो घट रही है, कंप्रेस हो रही है, तो इसलिए माइनस का डेल्टा डी अपॉन डी, ये हो गया। फिर हम कहेंगे therefore therefore poisons ratio को हम बोल देते हैं बेटा, ये सिग्मा होता है, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको पता होगा, मैंने जो मैथ्स में करवाया था स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल था, स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल, इसको हम बोल देते हैं स्मॉल सिग्मा, ठीक है। और जो बायो वाले बच्चे हैं उनके लिए बता देता हूँ कि ये सिंबल जो है सिग्मा का होता है। तो सिग्मा के दो सिंबल्स होते हैं, एक होता है ये, इसको बोलते हैं कैपिटल सिग्मा, और एक ये होता है, इसको बोलते हैं स्मॉल सिग्मा। ये जो कैपिटल सिग्मा है ये एडिशन के लिए यूज होता है, और स्मॉल सिग्मा जो है वो यहाँ पर पॉइजन्स रेशियो के लिए यूज होता है। तो पॉइजन्स रेशियो सिग्मा इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लिखा है ना, रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन lateral strain upon longitudinal strain, lateral strain upon longitudinal strain. अब lateral strain कितना है, minus delta d upon d,
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना है, डेल्टा एल अपॉन एल। तो इसको हम बोलेंगे, हम जानते हैं सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, और बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा डी, माइनस डेल्टा डी इंटू एल अपॉन प्लस का डी इंटू डेल्टा एल। बताइए जी सभी बच्चों को क्लियर है, सभी बच्चों को क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स ये वाला चैप्टर खत्म हुआ। बस दो मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ मैं, पानी पीकर आ रहा हूँ, और फिर नया चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड्स वो स्टार्ट कर रहा हूँ।